वेलकम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट। ये फ्रेंच ऑमलेट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेसिपी बहुत ईजी बनती है और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। चलिए इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। 4 स्लाइस ब्रेड, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 पोटैटोज, यानी 1 कप ऑफ पोटैटो, जिसे मैंने स्लाइस इस तरह से किया है। 1 लार्ज ऑनियन, 1 बड़ा वाला प्याज लिया है। 3/4 कैबेज, 3/4 कप कैबेज है ये, यानी पत्ता गोभी। 1/2 कप कैरेट लिया है, यानी गाजर मैंने आधा लिया है। हसबे ज़रूरत तेल, ऑयल, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च लिया है, यानी बेल पेपर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड सॉल्ट, नमक, 2 eggs, 2 अंडे लिया है मैंने, और पिज़्ज़ा मिक्स है ये ऑप्शनल है, और थोड़ा सा पानी लूँगी। चलिए चलते हैं। पैन लिया है, इसे गरम होने दें। अभी ये गरम हो चुका है, इस पर अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने 2 टीस्पून लिया है, इसे गरम होने दें। अभी हमारा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे ऑनियन। इसे मैं ऐड करूंगी पोटैटो 1 कप, इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाना है करीब 5 मिनट तक। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मिला लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी मिक्स करें। दो मिनट तक इसे ढककर पकाएं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट 3/4 टीस्पून, सॉरी 3/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है। इन सबको मिला लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कैबेज एंड कैरेट, इसे भी मिक्स कर लें। इसे भी कवर करके 5 मिनट तक पका लें। हमारा फ्लेम लो पर ही रहना है। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैं ऐड करूंगी बेल पेपर, यानी शिमला मिर्च, इसे भी मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करें। और 2 से 3 मिनट तक ढक के पका लें। अब 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैं ऐड करूंगी कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, इसे भी मिक्स कर लें। ये अब रेडी है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे एक बॉल में कर लें। मैंने यहाँ एक बॉल लिया है, इसमें हम अंडों को फेंट लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी सम सॉल्ट,
एंड पिज्जा मिक्स। इसे अच्छी तरह मिला लें। हमारी वेजेस इन सब को भी मिला लें। अभी ये मिक्स हो गए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। इसे स्प्रेड कर लें। अब मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड कर लूंगी। ये मिक्सचर को डालना होगा इसमें और इसे स्प्रेड कर दें। अब नेक्स्ट इसमें हम ब्रेड लगाएंगे। हमारा फ्लेम लो पे रहना है। मैंने लगा दिया सारे ब्रेड। मुझे टोटल 4 ब्रेड लगे इसमें लगाने के लिए। अब इसे हम ढक के करीब 4 से 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने दें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम इसे खोल के इसे पलटना होगा। यही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। एक प्लेट रख के इसे उल्टा कर दें। देखिए अब इसे हम ऐसे ही डाल देंगे। अब इसे ढक के पकाना है 4 से 5 मिनट तक। फिर से मैंने फ्लेम लो पे ही रखा है। इसे 5 मिनट तक पकाएं। अभी 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे हाफ कर दूंगी। अब चलते हैं प्लेटिंग करने। मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। इस तरह से है ये। इसे मैं अब कट करके दिखाऊंगी कि भीतर से भी किस तरह से पका हुआ है। देखिए कुछ इस तरह से लगेगा, ये ऊपर से और ये नीचे से। आप इसे केचप के साथ बहुत ही टेस्टी एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।